बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, फंक्शन एंड लिमिट्स, सेकेंड ईयर क्लास मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की डेफिनेशन है फंक्शन की। ठीक है, अब फंक्शन है क्या? फंक्शन एक रूल है, एक कानून है, विच असाइन, जो कि असाइन करता है ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए, टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, वाई की यूनिक वैल्यू, यानी कि एक्स की हर वैल्यू के लिए हमारे पास वाई यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई भी एक होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा वाई होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी। अगर डोमेन वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं तो वो फंक्शन ही नहीं रहता। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, मैं वही वाला कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रही हूँ कि उसमें आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था अ फंक्शन इज़ अ रूल विच असाइन ईच वैल्यू ऑफ एक्स टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। फिर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि फर्स्ट कंडीशन थी डोमेन ऑफ एफ फंक्शन की वो एक्स के इक्वल आ जाए, सेट एक्स के, जिसको आपने फर्स्ट सेट कहा था, अगर ए कहा था तो ए के बराबर। फिर आपने कहा था देर इज़ नो रिपीटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, यानी पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि फंक्शन हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया, द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनाइज। ठीक है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया फंक्शन को। सबसे पहले हम फंक्शन की एग्जांपल्स में एरिया वाला फंक्शन लेते हैं। ठीक है, एरिया किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के चूँकि चारों साइड्स बराबर होती है ना, हमने हर साइड को कह दिया कि एक्स है, चारों साइड को एक्स 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 और एक्स कह दिया। ठीक है, आपके सामने फिग भी बनी हुई है, आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये एरिया का फार्मूला आ गया आपके पास, यानी एरिया फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स चूज़ हो रहा है। उसके बाद है वॉल्यूम। ठीक है, वेरिएबल कौन सी क्वांटिटी होती है जो तब्दील हो रही हो, एरिया में चेंजिंग्स कैसे आएंगी, अगर उसके साइड एक्स में चेंजिंग्स आएंगी तो उसका एरिया तब्दील हो जाएगा। ठीक है, वो एरिया किस पर डिपेंड करता है, एक्स वैल्यू पर। उसके बाद हमने पढ़ना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब स्फीयर के वॉल्यूम को हम डिस्कस करने लगे हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर। ठीक है, उसका फार्मूला है 4/3 πr³। स्फीयर आप सब जानते होंगे, देखिए एक तो होता है सर्कल, उसकी सिंपल एग्जांपल बैंगल्स, यानी चूड़ी जो आप पहनते हैं वो सर्कल है। अब स्फीयर क्या है, जो हर तरफ से सर्कुलर हो, जैसे आपके पास जो ग्रीन कलर की बॉल आपने देखी होगी खेलने वाली, वो आपके पास स्फीयर है। ठीक है, सर्कल 2 dimensions में होता है और स्फीयर आपके पास 3 dimensions में होता है। तो अब स्फीयर का फार्मूला क्या है, 4/3 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई हम जानते हैं 22/7 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, और आर की वैल्यू अकॉर्डिंग द स्फीयर, यानी जो स्फीयर लेंगे उसका जो रेडियस होगा वो इसमें पुट करते जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किस पे डिपेंड किया, रेडियस आर पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक्स और वाई के लिए क्या ज़रूरी है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों हमारे पास, द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। ठीक है, बिल्कुल वही जो मैंने शुरू में बताई थी, एक रूल है विच असाइन ईच वैल्यू ऑफ एक्स टू अ यूनिक वैल्यू वाई, उस तरीके से लिख दो जो बेशक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, चाहे ये लिख दो, सिर्फ वर्डिंग आगे पीछे कॉन्सेप्ट वही है। एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल डेट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स इज़ अ यूनिक एलिमेंट वाई, यानी कि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एफ़ सच डेट, ये जो दो लाइन्स दो डॉट्स लगाते हैं ना, इसको पढ़ते हैं सच डेट एक्स टू वाई, आपके पास जो पहला सेट है वो क्या है, एक्स, और दूसरा सेट क्या है, वो है वाई। सेट एक्स को आपने क्या कहना है, डोमेन, सेट वाई को क्या कहना है, रेंज। अब हम भूल जाएं अगर डोमेन किसको कहना था, रेंज किसको, तो इसका आसान तरीका आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जब हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट्स पहले कौन सा आता है, सेट एक्स, बाद में क्या आता है, वाई वाला, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में। इसी तरह जब आप अल्फ़ाबेट्स में डोमेन और रेंज को देखोगे, पहले क्या आ रहा है, डी, बाद में क्या आ रहा है,
आर आ रहा है, तो एक्स डी यानी एक्स वाला सेट आपके पास डोमेन है, वाई वाला सेट आपके पास क्या है, रेंज है जो बाद में आ रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब डोमेन और रेंज मैंने आपको मुख्तसर बता भी दिया, फिर दोबारा बताती हूँ। अब डोमेन क्या होती है, किसी भी फंक्शन में डोमेन क्या है, वो वाली वैल्यूज जो हम फंक्शन में पुट कर दें और हमारे पास डिफाइंड आंसर आ जाए। अब डिफाइंड आंसर क्या कौन सा होता है, जिसके बटे में ज़ीरो ना आए, अगर बटे के नीचे ज़ीरो आ जाए ना वो अनडिफाइंड, यानी जो डिफाइंड नहीं है। अब कैलकुलेटर पे अगर आपने कभी चेक करना हो ना, जब कैलकुलेटर आपको मैथ एरर लिखा हुआ देता है तो उसका मतलब अनडिफाइंड आंसर होता है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर तो एक मशीन है, उसने हर दफ़ा अनडिफाइंड को एक्सप्लेन नहीं करना कि इस वजह से अनडिफाइंड, उसने लिख दिया मैथ एरर सीधा सीधा। जब मैथ एरर आ रहा है इट मीन्स के फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो कम्प्लेक्स हो जाता है। रियल, हम रियल वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे हैं, वो कम्प्लेक्स इमेजिनरी है, इन इमेजिनेशंस, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, रेंज। रेंज वो वाली वैल्यूज जब आप फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हो ना, उसका जो आंसर होता है उसे कहते हैं रेंज, ठीक है। अब आपके पास आर्डर पेयर में आपने फंक्शन पढ़ा होगा, जो पहला पहला एलिमेंट था वो डोमेन था, जो दूसरे दूसरे वाला था वो था रेंज था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने स्केयर पढ़ा है, स्केयर का स्केयर में एरिया पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्केयर है। अब आप एक्स को वैल्यू देते जाओगे, ठीक है, जैसे आप वन दे देते हो, टू दे देते हो, थ्री, और एक आंसर निकलना जाएगा, ठीक है। अब एक्स को जो वाली वैल्यूज़ आपने दी वो उसकी डोमेन होगी उस सेट की, और जो उसके आंसर होंगे वो सेट के रेंज होंगे। अच्छा, अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, अब फंक्शन इन विच वेरिएबल्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, जिसमें वेरिएबल रियल नंबर्स में, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक तो तरीका वो हो गया एफ सच डेट एक्स अप्रोच टू वाई, यानी कि एफ दो डॉट लगाने हैं आपने, एक्स लिखना है सेट का, एक्स का नाम, और एरो लगाना है, और वाई पढ़ना कैसे है उसको, एफ सच डेट एक्स टू वाई, एक्स सच डेट एफ सच डेट एक्स टू वाई, या एक्स अप्रोचेस टू वाई आपने उसको पढ़ लेना है, रीड आउट करना है, एक तरीका। दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लिख लें, जिस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आपके पास है पेज में, इनपुट जो हम पुट करते हैं फंक्शन, एक्सेक्ट वन आउटपुट, और उसका जो आंसर होता है। इनपुट जो फंक्शन में पुट करते हैं वो डोमेन होती है, आउटपुट जो उसका आंसर है उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस जो आपके पास इनपुट और आउटपुट की फिक के बाद लिखा हुआ है, अ फंक्शन कैन बी थ्रोट अ कंप्यूटिंग मशीन, एक कंप्यूटिंग मशीन है यानी जिसने आपको कैलकुलेट करके आंसर बता दिया, डेट टेक्स एन इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर वाले इनपुट और आउटपुट में जानते होंगे, इनपुट हम नंबर्स पुट कर देते हैं यानी हम उसको वैल्यूज़ दे देते हैं, आउटपुट जो हमें हासिल हो गया। अब डोमेन क्या है, हमने उसमें पुट कर दी वैल्यूज़, रेंज क्या है, आउटपुट आ गया, उसका आंसर आ गया, जो डोमेन वाली वैल्यूज़ में से हमने उसमें पुट की वैल्यूज़ वो वाली। अच्छा, उसके बाद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो आज़ाद है, डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपके पास फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब देखिए x ने y पे डिपेंड नहीं किया, आपने x को अपनी मर्जी से या कंडीशन कोई होगी जिसके मुताबिक आपने उसको नंबर दे दिया, लेकिन ये y पे कभी डिपेंड नहीं किया, ठीक है। आप x को कोई भी नंबर दे देते हो, 1, 2, 3, और उसका आंसर आ जाता है जिसे आपने y कहा। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी अगर आप x का वैल्यू 1 देते हो इन केस, तो y का आंसर फॉर एग्जांपल 2 आ जाता है। अब y x पे डिपेंड किया, आप x को 2 देते हो तो y का आंसर 4 आ गया, ठीक है ना। उस पर क्या किया, डिपेंड किया कि x को जो वैल्यू दोगे y उस पर डिपेंड होकर आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए हमने उसको कह दिया x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को हमने कह दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, उसके बाद हमने फंक्शंस की डेफिनेशन करनी है, चाहे ये नोट्स वाले पेज से आप तैयार कर लो, चाहे बुक से तैयार कर लो, सेम लिखी हुई है, ठीक है, बुक में भी यही चीज़ है आपके पास। उसके बाद है अलजब्रिक फंक्शंस, हमने अलजब्रिक फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स पढ़नी है इसमें। अलजब्रिक फंक्शंस आर दूस फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आपने अलजब्रा जो है, आई थिंक सिक्स क्लास से अलजब्रा पढ़ा हुआ है,
उसमें क्या था, एक्स को पढ़ते होते थे, एक्स वाई को पढ़ते होते थे, ठीक है। आपने उसमें एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन और उसके मुख्तलिफ इक्वेशंस को पढ़ा, ये सारा अलजबरा था आपके पास, ठीक है। इसमें जो जो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे वो अलजबरिक फंक्शंस कहला देंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब पॉलीनोमियल फंक्शन की एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको दूँ। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी सबको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने कहा था सेकेंड डिग्री पॉलीनोमियल। देखें जो एक्स की पावर होती है ना वो उसकी डिग्री कहलाती है। एक्स की पावर 2 है तो डिग्री 2 है, एक्स की पावर 3 है जिसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं तो आपके पास वो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ जाएगी, 4 है तो 4 में आ जाएगी, n है तो n में आ जाएगी। अब a b c कोफिशेंट्स थे, कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n में लिखी हुई है, ए एन एक्स रेस टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। ये क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, n। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, n। जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी ना उसका कोफिशेंट जिसे हम अददी सर यानी जो उसके साथ लिखा होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेरिएबल के साथ, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको याद होगा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी आपने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें आपने कहा था ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही ख़त्म हो जाएगी तो सेकेंड डिग्री ही ना रही, इसलिए जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है ना, ठीक है, उसका जो कोफिशेंट होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही नोट आप देखें कि ए एन ज़ीरो नहीं, वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद लीनियर फंक्शन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी वो लीनियर है। जैसे आपके पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी तब्दील ना होना, ठीक है, जो पुट करना वही आंसर आ जाना। एक्स में 1 पुट करोगे आंसर 1 आ गया रेंज का, 2 पुट किया 2 आ गया, 3 पुट किया 3 आ गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ फंक्शन आई, आई फॉर आइडेंटिटी एक्स टू एक्स, ठीक है। कैसे आया, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उल्टा ए जो लिखा हुआ है ना इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स के तमाम वैल्यूज़ के लिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसमें डोमेन भी एक्स है और रेंज भी एक्स है। उसके बाद कॉन्स्टेंट जिसमें तब्दीली नहीं होनी, ठीक है, आप 2 पुट करोगे तो आंसर वही आएगा कॉन्स्टेंट, 3 पुट करोगे तो भी कॉन्स्टेंट आंसर है, जो भी उसमें लिखा हुआ है 3 है तो फिर भी कॉन्स्टेंट ही आंसर है। ये नहीं कि 2 का 2 आया, 3 का 3 या 1 का 1 या कोई और तब्दील हो, नहीं तब्दील नहीं होना, उसने कॉन्स्टेंट रहना है। सी के एक्स टू वाई, अब जैसे सी एक्स इज इक्वल टू ए है, अब एक्स जो मर्जी लिख दो उसमें तो ए है, आंसर हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर्स याद होंगे, ठीक है, मेरा ख्याल है कि क्लास 2 या 3 से पढ़ते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। रैशनल नंबर्स क्या थे, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें, ठीक है, पी क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करता हो, ठीक है। फिर हमने इसका बड़ा आसान सा तरीका एक देखा था कि कोई भी नंबर है, अब हमें बहुत सारे नंबर फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं, जैसे 22/7 लिख दिया, लेकिन वो रैशनल नहीं होते, ठीक है, ये अगर आप इसको चेक करो ना डिवाइड करके तो रैशनल नहीं आएगा, नहीं सॉरी 3.14156 वाला नहीं आएगा, रैशनल ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रैशनल नहीं होते, तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट के बाद चेक करना है क्या वो रिपीटेड है, जिसे हम रिकरिंग कहते हैं, जैसे 0.3333 पॉइंट के बाद रिपीट हो गया, पॉइंट के बाद 1212 आ गया, यानी ख़ास तरतीब से नंबर आ गया, उसे कहते हैं रिकरिंग, रीअकर, दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है ख़ास तरतीब से, ठीक है, वो है रिकरिंग, वो होता है रैशनल, या फिर मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए वो भी रैशनल है, अगर इसके अलावा कोई केस है तो वो रैशनल नहीं है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसमें रैशनल नंबर्स इन्वॉल्व हो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, साइन आए, कोस आए, टेन आए, सीकेंट आए, कोसिकेंट आए, कोटेंजेंट आए, ठीक है, ये हैं आपके पास। फिर आपने स्टूडेंट्स में डोमेन और रेंज ना चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ी थी, आपको इसको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही वाली दोबारा से लिख देनी है, ठीक है, वो वाली आपको याद होगी
के साइन एक्स के हमने कहा था सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन है, कोस की भी हमने रियल नंबर्स कहा था, टेन साइन ओवर कोस लिखा था, फिर हमने कहा था एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एक्स डज नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है, अब ये जो नोट्स वाला पेज है ना जो मैंने अपलोड किया है ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, मैं आपको वही फर्स्ट ईयर, देखिए जो चीज़ आपने पहले याद की हुई है ना आपको अच्छी तरह आती है वो आपको दोबारा से नए तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही चीज़ उसमें दोबारा से लिख देनी है। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको फर्स्ट ईयर वाला बता रही हूँ जो उधर आपने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट यानी कोस ओवर साइन, इसकी डोमेन आपने पढ़ी थी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, फिर आपने पढ़ा y इज इक्वल टू सिकेंड एक्स, सिकेंड को हम लिखते हैं वन ओवर कोस, जिसके बटे में कोस है ना उसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जिसके बटे में साइन आए जैसे कोसिकेंट है वन ओवर साइन तो उसकी डोमेन क्या लिखनी है हमेशा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रियल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर रेंज आपके पास साइन और कोस में माइनस वन से प्लस वन थी। ठीक है, और वही वाली इन सब की रेंज यही वाली सेम आपने पढ़ी थी। ठीक है, यही वाली एज इट इज़ है वही चीज़, देखो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, मैंने क्या किया सेम उस वर्डिंग में आपको बता दी जिस वर्डिंग में आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर क्लास में। ठीक है यही चीज़ बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे, कल इंशाल्लाह इधर से ही नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।